बता देना अपनी बेटी को कल उसका निकाह है। जाहिद से जो माएं अपने बेटियों को आंखें बंद करके पालती है ना, वो उनकी बर्बादी में सिर्फ मातम करती है, मातम। नसरीन बिन तमीर रफीक, आपका निकाह जाहिद वाल अहमद अली के साथ मुबलक 5 लाख रुपए हक मेहर के बस सिक्का रहजुल वक्त पाकिस्तानी, आपका निकाह पढ़ाया जाता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? क्या आपको यह निकाह कबूल है? नसरीन बिन तमीर रफीक, आपका निकाह जाहिद वाल अहमद अली के साथ मुबलक 5 लाख रुपए हक मेहर के एवज सिक्का रहजुल वक्त आपका निकाह पढ़ाया जाता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? क्या आपको यह निकाह कबूल है? जाहिद वाल अहमद अली, आपका निकाह नसरीन बिन मीर रफीक के साथ मुबलक 5 लाख रुपए हक मेहर के बस सिक्का रहजुल वक्त आपका निकाह पढ़ाया जाता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? जी कबूल। जाहिद वाल अहमद अली, आपका निकाह नसरीन बिन मीर रफीक के साथ मुबलक 5 लाख रुपए हक मेहर के बस सिक्का रहजुल वक्त आपका निकाह पढ़ाया जाता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? जी कबूल। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمه।
सॉरी। कॉफी? थैंक यू। पता है उमेर भी जब देर देर तक काम करता था ना अपने ऑफिस का, तो उसको मैं बड़े से मग्गे में कॉफी भिजवा दिया करती थी। अम्मी मैं उमेर जैसी नहीं हूँ, इसलिए आज हम अलग हैं। तुम तो उमेर हो भी नहीं सकती, और तो बहुत बदकिस्मत है बेचारा। जल्दी काम खत्म कर लेना। और ये क्या तुम हवा में इस तरह बैठी हो, ये उड़ो। चुप, आजकल तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अम्मी ये क्या हर रोज मुझ में फूंकती रहती है। तुम्हारी हिफाजत के। अम्मी, ये सर एकदम से कहाँ गायब हो गए? मैं क्या जानू कहाँ गायब हो गए, मेरा क्या ताल्लुक है? अम्मी मैंने तो बस एक ऐसे ही सवाल पूछा था। आप दोनों के एक दूसरे को जानते हैं? क्यों जानेंगे, बस इतना ही जानती हूँ मैं कि वो तुम्हारे बॉस हैं और बस। तो अम्मी बॉस ही तो है, इसमें तो घबराने वाली कौन सी? कौन घबरा रहा है, छोटी बच्ची हूँ जो घबरा गई हूँ? तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए तो मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ बस। इतना लोभ तो मैंने अम्मी को कभी नहीं देखा, ना तब जब उमेर के फादर और सारे घर वाले उनकी बेइज्जती करते थे, ना तब जब वो अपना घर बार अपनी औलाद छोड़कर मेरे साथ चली आई थी। फिर आज क्या हुआ है, जब से सफर सर से मिली है भुजी भुजी सी है। कुछ ऐसा जरूर है जो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा।